नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। देश के प्रसिद्ध व्यंगकार शरद जोशी इंदौर के रहने वाले थे। हालांकि उनका जन्म उज्जैन में हुआ था, लेकिन बाद में वे इंदौर के रूपराम नगर में बस गए थे। उनके पिता राज्य परिवहन निगम में अफसर थे और घर में कुल मिलाकर चार बहनों के अलावा शरद जी का एक छोटे भाई भी थे, जिनका नाम था रोमेश जोशी। इंदौर के रूपराम नगर में शरद जी द्वारा बाद में यह मकान अपने छोटे भाई रोमेश जोशी को दे दिया गया। रोमेश जोशी भी हास्य व्यंग की विधा में बेहद प्रसिद्ध हुए हैं। अब सवाल यह है कि शरद जी को लिखने का शौक कब से हुआ? तो शरद जी को लिखने का शौक हुआ कॉलेज के दिनों से और उनका पहला व्यंग 1950 में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने राजगोपालाचारी के गवर्नर बनने पर व्यंग किया था कि प्रजातंत्र आ गया तो गवर्नर क्यों? जैसे बसों और गाड़ियों में गवर्नर की सील होती है, जिससे गति एक सीमा से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती है और उसे हटाने पर बस अथवा गाड़ी की गति बढ़ती है, वैसे ही देश में गवर्नर की सील को हटाना होगा। उनका यह व्यंग बेहद लोकप्रिय हुआ और इसके बाद से शरद जी ने अपने तीखे और दिल को गुदगुदाने वाले लेख लिखना शुरू कर दिए। उनके व्यंग का एक एक शब्द पढ़कर पाठक मनी मन हंसता रहता है और विषय के मर्म को भली भांति समझ लेता है। शरद जी का यह मानना था कि बहुत कम लेखक सफल और सार्थक होते हैं। वे यह मानते थे या तो लेखक सफल होगा या फिर सार्थक। सार्थक लेखक होना एक बात है और लोकप्रिय तथा सफल होना दूसरी बात। जो लेखक सार्थक लेखन में जुटा होगा, उसके पास तिकड़म लड़ाने और बड़े बड़े अफसरों तथा नेताओं की लल्लो चप्पो करने का वक्त ही नहीं होगा और इस कला में निपुण हुए बिना सफलता अथवा लोकप्रियता हासिल नहीं की जा सकती।